हम बना रहे हैं आज चिकन, वो भी कुकर में, बहुत ही जल्दी से बनाकर जो रेडी हो जाएगा। आप इन्हें बहुत ही कम समय में इन्हें बना सकते हैं, और वो भी चिकन की तरह एकदम टेस्टी। तो पहले कुकर में आप तेल ले लेंगे, सरसों का तेल लेना है क्योंकि चिकन सरसों के तेल में ही बनता है। तो मैं यहाँ पे 2 कप तेल ले ली हूँ, और इन्हें गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद 2 तेज़पत्ता डालेंगे और इन्हें थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। और फिर उसके बाद कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे इस तरह से। और फिर इसमें मसाले डालेंगे, पिसे हुए अदरक लहसुन और गरम मसाला का पेस्ट, और इसमें आप हरे मिर्च भी ले सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो। और फिर इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इनसे इससे कलर बहुत ही अच्छा लगता है और चिकन देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और 1 चम्मच मीट मसाला डालेंगे और नमक अपने अनुसार। और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। और फिर इन्हें मिक्स करके 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। दस मिनट भूनने के बाद चिकन को डाल लेंगे। और चिकन को डालने के बाद आपको कुछ नहीं डालना है, इसी तरह से चलाकर फिर से 5 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इन्हें भून लेना है ताकि चिकन का कच्चापन दूर हो जाए। इस तरह से चलाकर इन्हें 10 मिनट के लिए भुज लेंगे, और फिर इन्हें बंद करके सिर्फ एक सीटी लगाएंगे। आप इन्हें 5 से 8 मिनट के लिए पहले भुज लीजिएगा। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका ग्रेवी, जिस जैसा आपको ग्रेवी पसंद हो उसी हिसाब से पानी डाल देंगे। और लास्ट में हरे मिर्च को ले लेंगे और इन्हें बीच से कट कर लेंगे, और ऊपर का साइड का थोड़ा सा छोड़ देंगे इस तरह से। बिल्कुल 2-3 इसी तरह से कट करके इसमें डाल देंगे। और फिर इन्हें बंद करके सिर्फ एक सीटी देते ही इन्हें गैस पे से उतार के इसका सीटी निकाल लेना है,
और लीजिए, हमारा ये चिकन रेडी है। अगर टाइम कम हो तो आप चिकन कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में। अब बिल्कुल चिकन का ही स्वाद लेगा, ये ख़राब नहीं बनता है बल्कि उससे अच्छा बनता है। अब ज़रूर ट्राई करिएगा कुकर में चिकन। तो ये हमारी ग्रेवी वाली चिकन तैयार है, आप इन्हें पुलाव के साथ भी